है, बड़ी पटन देवी मंदिर। ये माता जी का अग्नि कुंड है, चाहे कितना भी हवन होता है ये हेलो यही गाइस, लेवल का। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज समय अभी हो रहा है 2:30 बज रहा, और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पाटन देवी, पटना की जो मंदिर है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, और हमारे साथ हमारा भाई है, दिव्य भाई है, दोनों आदमी भाई है जो इनके साथ इनका ब्लॉग हम भी देखते हैं, और रोज सबसे फर्स्ट व्यूअर तो हम ही होते हैं। तो चलते हैं, आज देख के आते हैं पटन देवी में। दोनों आदमी हम लोग तैयार हो गए हैं। देखिए स्कूटी भी हमारी आ गई है बसंती, और अब चलेंगे पटन देवी। फाइनली हम लोग पटन देवी पहुंच गए हैं, और पटना का नाम जो पड़ा है पटन देवी से ही पड़ा। 51 सिद्धों में से एक पटन देवी भी आता है। जैसे कि मंदिर के अंदर हम लोग एंट्री कर गए हैं, तो हम यहाँ पे अभी कुछ बात किए हैं बाबा लोग से, तो पता चला है मेन मंदिर अभी यहाँ पे ला के रखा गया, और मेन जगह जहाँ पे आपको वहाँ भी जाके दिखाएंगे। और मंदिर के राइट साइड आपको शंकर भगवान का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं अभी, ये शंकर भगवान का मंदिर है। चलिए आपको मेन जगह दिखाते हैं जहाँ पे फिर तो अभी टेम्प्रोरी रखा गया, तो आपको दिखाते हैं अभी मंदिर वहाँ पे बन रहा। भगवान शिव पार्वती को लेके तांडव कर रहे थे, तो उसी टाइम भगवान विष्णु ने अपने चक्र से पार्वती का पैर काट दो दिए थे। 51 सिद्धियों में एक सिद्धि यहाँ भी बना गया है, जिसका काम अभी चालू है। और आप वहाँ पर जो देखते हैं टेम्प्रोरी रखा गया, जिसका नाम पटन देवी के नाम से जिसका रखा गया। तो चलिए आपको पटन देवी का पूरा व्यू कराते हैं अभी क्या है, और बाद में आप तो देख ही रहे हैं अभी काम चालू है, तो बहुत जल्दी आपके आने वाला है। साइड में जो है आपको यहाँ पे होम जाप होता है, पहले शेर का चित्र बनाया हुआ आप लोग देखें। और अब हम लोग एंट्री करते हैं जहाँ पे हवन होता है, तो चलिए हवन आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ही हवन होता है, और ये हवन डेली होता है। तो चलिए कुछ हम लोग बाबा से बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बाबा कुछ यहाँ के बारे में बताइएगा। ये माँ शक्ति पीठ है, बड़ी पटन देवी मंदिर। ये माता जी का अग्नि कुंड है, चाहे कितना भी हवन होता है ये यही लेवल रहता है हमेशा। डेली प्रतिदिन 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल हवन होते ही रहता है, लेकिन यही लेवल रहता है। सिर्फ साल में एक बार कम से कम ये 5 फीट ऊपर आता है। वो आशीन नवरात्रा आता है, आशीन नवरात्रा में, और विशेष रूप से सब लोग दुर्गा पाठ करते हैं, हवन करते हैं नवमी को दिन। अच्छा, उस दिन हवन होता है, उस दिन कम से कम 1 ट्रक का हवन होता है, और ये ऐसे रहता है पूरा 5 फीट ऊपर। और फिर 3-4 दिन के बाद आकर देखेंगे तो ये सब अंदर चला जाता है। यहाँ भभूत जो है, भभूत यही सब लोग को प्रसाद मिलता है, सब लोग टीका लगाते हैं। मन तबीयत किसी का खराब हो घर में, माता जी के नाम लेके, पटन देवी माँ के नाम लेके थोड़ा मुंह में भी इसको ले सकते हैं, सब अच्छा हो जाता है। जैसे कि बाबा बता रहे हैं भभूत का खासियत है पटन देवी माता का सर्वाबाधा ब्रह्मत्व दैन दाम संविदा मनुष्यो मनसादेन भविष्यति न संशया। जय माता जी, माता जी करे। और ये सब लोग लगाते हैं, यहाँ भभूत जो है, भभूत यही सब लोग को प्रसाद मिलता है, सब लोग टीका लगाते हैं। मन तबीयत किसी का खराब हो घर में, माता जी के नाम लेके, पटन देवी माँ के नाम लेके थोड़ा मुंह में भी इसको ले सकते हैं, सब अच्छा हो जाता है। जय माता जी, माता जी करे। चलना बाबा, करने के बाद हवन करना जरूरी होता है, जैसे कि बाबा बताए। चलिए बाबा, जस्ट बगल में आपको राधे श्याम का भी मंदिर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी आप अपना बांध सकते हैं, अपने कुछ इच्छा हो तो मांग सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरती है इस मंदिर का, जो आपको एक ही कैंपस में 3-4 चीज़ देखने के लिए मिलता है। राइट साइड से आपको शंकर भगवान, लेफ्ट साइड से राधा कृष्ण मंदिर, और जस्ट उसके बगल में हवनपुर।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं शंकर भगवान के साइड। अब हम लोग आ गए हैं शंकर भगवान के पास, पूजा करें। पहले आप बता दीजिए कि क्या है लोग, आपको अच्छा है। जैसे पूरे मंदिर को मैंने भ्रमण किया, बहुत अच्छा हमको लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए हमारे दिव्य भाई को कैसा लगा? बात ये है कि ब्लॉगिंग, लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग प्यारा है क्योंकि यहाँ पे घूमने का, यहाँ जो हम लोगों ने घूमा इससे देखा, अगर ब्लॉगिंग नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे आते नहीं, जाए। और यहाँ पे आप लोग भी जरूर आइए, आप बोलेंगे सबसे कि आप लोग आइए और एक बार यहाँ का देखिए कि कितना खूबसूरत है, एकदम शांतिमय। और वो नया मंदिर जो बनके तैयार होने वाला है और भी अच्छा लगेगा क्या? हाँ जरूर, बनने से पहले भी, बनने के बाद भी आप लोग जरूर आइए। आप लोग ओढ़े हुए बड़ी प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये दुआ है, यहाँ का दुआ के रूप में आपको चुंदड़ी दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई पार्ट मंदिर का छूट गया तो आप लाइक कॉमेंट करके जरूर बताए, लाइक जरूर करें। नहीं छूटा हो तो आप लोग जो हम लोग पार्ट दिखा चुके हैं उसको आके देखे जरूर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर यदि आप देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए इस वीडियो। मेरे तरफ से भी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कृपया इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या होता है फेसबुक पे है तो जरूर इसको फॉलो करें। चलिए बने रहिए, इस तरह का वीडियो, जय माता दी, इस तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए लाते हैं।